हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, नैतिक मूल्य पर आधारित है। प्राचीन समय की बात है, जब एक आदमी था, गांव में रहता था। वो बड़े परेशान था, वो किसी गुरु की तलाश में था। वो एक ऐसे गुरु की तलाश में था कि जीवन का मूल मंत्र उसको वो गुरु बता सके। तो एक दिन उसकी मुलाकात एक गुरु से हुई, गांव से बाहर में। तो उसने गुरु से एक सवाल पूछा कि गुरुजी, बताइए मुझे कि जीवन का क्या मूल्य है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, बताता हूँ। उन्होंने गए और अपने आश्रम में से एक पत्थर लेकर आए और उस पत्थर को उस आदमी को दे दिए और बोले कि इस पत्थर को ले जाओ और इस पत्थर को तुम्हें बेचना नहीं है। इस पत्थर का कीमत तुम बाजार में पता करके आओ कि क्या कीमत है, तब तो मैं बताऊंगा तुम्हारे सवाल का जवाब। तो वो आदमी कुछ बोला नहीं, गुरु की आज्ञा था उसे मानना ही था। कहा, चलिए ठीक है, जाता हूँ। गया। सबसे पहले वो एक मार्केट में जा रहा था, एक संतरा बेचने वाले के पास गया। संतरा बेच रहा था वो। तो उसके पास जाके कहा कि भाई देखो, मेरे पास पैसे नहीं है पर एक चीज है, बताओ कि एक मेरे पास पत्थर है, वो बताओ कि उसका तुम क्या कितने में लोगे या उसके बदले में क्या मुझे दोगे। संतरे वाले ने कहा, ठीक है, दिखाओ भाई क्या है तुम्हारे पास, मैं भी तो देखूं। तो उस पत्थर को उस आदमी ने संतरे वाले को दिया। संतरे वाले ने उस पत्थर को लिया और देखा तो कहा कि मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें 12 संतरे दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, वो पत्थर मुझे वापस कर दीजिए। संतरे वाले ने कहा, क्यों? तो वो आदमी बोला कि देखिए, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, मेरे गुरुजी ने बोला था कि इसको बिना बेचे तुम्हें इसका कितना कीमत है वो पता करके आना है। इसको बेच के कोई सामान नहीं लेना है बल्कि तुम्हें इसका कीमत जानना है। संतरे वाले ने पत्थर दे दिया, वो आदमी वहां से चला गया। फिर आगे गया तो एक सब्जी वाला उसे दिखा, सब्जी वाले के पास गया। सब्जी के दुकान तो पहुंच के फिर वही बात कहता है कि भाई, इस पत्थर को के बदले में तुम कितना मुझे सब्जी दे सकते हो, इसकी क्या कीमत है। सब्जी वाले ने भी उस पत्थर को देखा। सब्जी वाले ने कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो और एक बोरी तुम मेरे यहाँ से आलू लेकर जाओ। फिर उसने आदमी ने यही जवाब दिया कि चलिए ठीक है, मुझे इसको बेचना नहीं है, मेरे गुरुजी ने कहा है कि इसको तुम्हें बेचना नहीं है, इसको बिना बेचे तुम्हें सामान लेकर आना है, इसकी क्या कीमत है तुम्हें जानना है, बिना बेचे सामान कितना तुम ला सकते हो। ठीक है, मुझे पता चल गया, मेरे को नहीं बेचना है। सब्जी वाले ने फिर उसको वापस कर दिया उस पत्थर को, कहा कोई बात नहीं, मैं इसके बदले में एक बोरी आलू ही तुम्हें दे सकता हूँ। फिर वो इंसान सब्जी वाले के पास से भी आगे गया, आगे सुनार के दुकान पे गया। सुनार के दुकान पे जाके सुनार को वो पत्थर दिखाया और बोला कि इसके बदले में आप मुझे कितने पैसे देंगे। सुनार ने पत्थर को देखा, कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, ये पत्थर मेरे को दे दो। उस आदमी ने कहा, 50 लाख? नहीं, मुझे नहीं देना है। तो जैसे ही सुनार ने सुना कि ये मना कर रहा है, नहीं देगा, तो उसके बाद सुनार ने बोला कि 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा इसके बदले में। फिर
उस इंसान ने कहा कि नहीं भाई, मेरे को 2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मेरे गुरुजी ने ऐसा ऐसा बात कहा है कि इस पत्थर को बस कीमत जान के आओ, ये बेचना नहीं है मुझे, वापस कर दीजिए। तो आप सुनार ने पत्थर उसको दे दिया, कहा कि ठीक है, जब बेचना हो तो आ जाना मेरे पास, कोई बात नहीं। फिर वो पत्थर लिया और आगे क्या, आगे उसको एक और सोने का व्यापारी का दुकान मिला, तो वहां गया, जौहरी के पास गया। जौहरी को उसने वो पत्थर दिखाया, तो उस व्यापारी ने क्या किया कि सबसे पहले तो एक लाल कपड़ा लाया और बिछाया, उसके बाद कहा कि अब यहाँ रखो, पत्थर को रखा। उसको पत्थर को उस जौहरी ने हाथ में छूने से पहले, देखने से पहले वो देख के ही पहचान गया, और उसको क्या किया कि वो उस पत्थर का गोल गोल परिक्रमा किया जौहरी ने, और कहा कि अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला, कहाँ से लाए हो? तो उसने कहा कि आप मुझे बस इसकी कीमत बताइए, बाद में सवाल पूछिएगा। जौहरी ने कहा कि देख भाई, ये बेशकीमती चीज है, ये रूबी है, और ये इसका कोई कीमत नहीं है, इसका कीमत हम ब्रह्मांड की कीमत से भी नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा कीमती है, ये कहाँ से तुम लाए हो? फिर उस आदमी ने यही बात कहा कि मुझे इसको बेचना नहीं है, मुझे बस यही जानना था, ठीक है, मैं मेरे गुरुजी ने ऐसा ऐसा बात कहा था कि तुम सामान जाओ, इसका कीमत जान के लाओ, सामान इसके बदले में तुम क्या ले सकते हो, कितना कीमत का है यही। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, ले जाओ पत्थर, पर इसका ये मेरे को दे देना, अगर तुम्हारी मतलब कि जिसने भी दिया हो, जितना मेरे से चाहोगे उतना पैसे ले जाओ, तुम मेरे को दे देना इसको। वो आदमी पत्थर को लिया और गुरुजी के पास वापस चला गया। गुरुजी के पास आकर जैसा जैसा उसके साथ हुआ सारी बातें बता दिया। गुरुजी को बताया कि संतरे वाले ने 12 संतरे में 12 संतरे की इसकी कीमत लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू की कीमत लगाई, सोने सुनार ने 2 करोड़ की कीमत लगाई, और जौहरी जो हीरे का व्यापारी था उसने बेस कीमती इसको बताया, कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका जितना कीमत लगा सको उतना ही कम। तो गुरु ने कहा कि यही तो जिंदगी का मूल मंत्र है, यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा सोच का कीमत है, तुम्हारे सोच का और तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, तुम जितना जो सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो, यही तुम्हारे सवाल का भी जवाब है। वो आदमी समझ गया और गुरु के चरणों में प्रणाम किया और चल दिया, और कहा जाते जाते कि गुरु जी आज मेरा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया, आज मैं जान गया जीवन का मूल मंत्र क्या है, जीवन क्या है। और वो आदमी फिर गांव को प्रस्थान कर गया। तो देखते हैं इससे कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है यही कि हमें अपने विचारों को दबाना नहीं चाहिए, हमारे विचार की कोई कीमत नहीं है, हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है, हम अपने जीवन मैं जैसा विचार रखेंगे वैसे ही हम बनेंगे, जितना हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हम विचार ही नहीं करेंगे किसी बारे में चीज के बारे में, तो हम उस चीज को पाएंगे कैसे? तो हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।